हेलो दोस्तों, ये स्कॉर्पियो X5 है। इसमें एसी का प्रॉब्लम है। अब चेक करने के बाद इसमें पता चला इसमें लीकेज हो रहा था, प्रेशर डाउन हो रहा था कंप्लीट एयर डालने के बाद। तो इसको अपन डाउट किया इसमें कूलिंग कॉइल लीकेज होगा। तो देखिए दोस्तों, कूलिंग कॉइल में खाली ओनली प्रेशर डाले हैं, यहाँ एडाप्टर लगा के अलग से। देखिए इसमें कूलिंग कॉइल में चेक, कूलिंग कॉइल में प्रेशर अपन डाले थे ये 350 पर जो डाउन हो गया। तो इससे कंफर्म हो गया कि इसका कूलिंग कॉइल लीकेज है। तो स्कॉर्पियो X5 है, इसको कूलिंग कॉइल कैसे रिप्लेस करते हैं और डैशबोर्ड कैसे खुलेगा आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। इसका डैशबोर्ड कैसे खुलेगा दोस्तों, इसका मौजूद सिस्टम वाला पैनल, एसी पैनल ऐसा खोल लेंगे, इसका सेट आज के लॉक रहते इस तरह निकल जाएगा। इसका ग्लो बॉक्स दो स्क्रू रहेगा 10 नंबर का, वो खोल लेंगे। साइड पैनल खोलेंगे, इधर का साइड पैनल खोलेंगे, फिर एक एक करके आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसे इसका डैशबोर्ड आसानी से खोल सकते हैं, इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। पूरी वायरिंग इसकी खोल लेंगे प्लेयर की और स्विच को पीछे ही ढकेल लेंगे, अपन बाहर नहीं करेंगे। दोस्तों इसका गियर पैनल खोलने के लिए यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ नहीं दिया पुराने मॉडल के जैसे में। तो इसका गियर पैनल देखिए, यहाँ से बहुत जाम है, इसको खोलने के लिए यहाँ अंदर में 2-10 नंबर बोल्ट देगा, इसको अपन खोल लेंगे। और सामने 2 लॉक देगा, अगल बगल दोनों साइड, ये बाहर हो जाएगा। तो इसका एयर बैग खोलना, एयर बैग खोलने के लिए अपन इसका कॉम्बिनेशन स्विच वाला जो पैनल होता है प्लास्टिक, इसको खोल लेंगे। उसके पीछे से तार रहता है जो थोड़ा सा मेहनत लगता है, उसको दबाने के बाद खुलेगा। ये आपको खोलने के बाद दिखाऊंगा, तब तक क्या चीज़ है। देखिए एक तरफ का बाहर हो गया, अब ऐसे ही दूसरी तरफ से बाहर करेंगे अपन इसको, तब जाके इसका गियर एयर बैग बाहर होगा। गियर पैनल बाहर करने के लिए अपने को तो प्लास्टिक बाहर आ जाएगा, यहाँ से इसकी वायरिंग खोलेंगे और ये इस तरफ घुमा के इसको बाहर निकाल लेंगे कंप्लीट। ये खोलने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ अंदर में 2 स्क्रू दिया है, साइड में यहाँ लॉक देता है दोनों साइड, इसको हटा लेना, तब जाके ये पूरा बाहर होगा। इधर से वायरिंग इसका बाहर कर देंगे, पीछे जो गया हुआ है फिर इसको बाहर कर लेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, डैशबोर्ड में एयर बैग लगा हुआ है, तो डैशबोर्ड लेफ्ट साइड का भी एयर बैग खोलना पड़ेगा, जिसकी वायरिंग और बोल्ट। ये देखिए यहाँ पर 2-13 नंबर ऐसा बोल्ट रहेगा, इसको खोल लेंगे और ये इसकी वायरिंग, ताकि ये प्लास्टिक वाला इसकी डैशबोर्ड का हिस्सा अलग से बाहर आ जाए और लोहे वाला हिस्सा अलग से बाहर आएगा इसमें। और स्विच का हिस्सा 4 स्क्रू खोल लिए हैं, इसको अंदर ढकेल देंगे, इसी में लगे रहेगा, इसकी वायरिंग वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका एयर बैग का पिन दब नहीं रहा था, शायद कोई पहले खोला होगा, तो इसको अपन कंप्लीट ऐसे निकाल लें, बोल्ट वोल्ट खोल के नीचे से ये कंप्लीट स्टेयरिंग बाहर कर दिए अपन इस तरह से। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट स्टेयरिंग बाहर कर दिए नीचे से खोल के। अगर ना खुले तो उसके लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि ऐसा खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा बाहर आ गया, मीटर बाहर कर लेंगे और यहाँ पर 10 नंबर बोल्ट देता है, यहाँ भी 10 नंबर बोल्ट, तो पूरे खोल लेंगे। और यहाँ भी 10 नंबर बोल्ट है, उधर भी 10 नंबर बोल्ट है, और बोनट केबल बाहर कर देंगे, उसके बाद एक प्लास्टिक बाहर करेंगे। तो इतना खोलने के बाद इसका डैशबोर्ड प्लास्टिक वाला हिस्सा इस तरह बाहर आ जाएगा। अब इसमें बचा लोहा वाला हिस्सा, अब इसका लोहा वाला ब्रैकेट बाहर करने के लिए यहाँ 2-13 नंबर, यहाँ 10 नंबर, और ये वायरिंग 3, और उधर से भी सेम जो लगा हुआ है लोहे में 10 नंबर, उधर 2-3 नंबर लगा हुआ है, इसको खोल के लोहा बाहर करेंगे। फिर उसके बाद एसी कूलिंग कॉइल खोलेंगे, इसकी बॉडी साइड कवर खोल के 2 अर्थिंग आप राइट साइड से खोल लेना और इधर से भी लेफ्ट साइड से, ये कवर खोल भी सकते हैं या पेचकस से टास्क के इसको खोल लेंगे। पूरी वायरिंग खोलने के बाद ये लोहा बाहर कर लेंगे, उसके बाद फिर कूलिंग कॉइल इस तरह से इसका लोहा यहीं रख देंगे, और चाहेंगे तो एयरबैग का वायर खोल के बाहर कर सकते हैं। इसका गियर पैनल वाला जो कवर, उसको खोलना अनिवार्य है, यहाँ पर से ये रोकता है, ये बाहर नहीं आ पाएगा बॉडी। यहाँ 10 नंबर दिया है 3, 2 इधर 2 इधर, और यहाँ पर ये 13 नंबर 2, और उस तरफ भी वैसे ही 13 नंबर दिया हुआ है। इसको खोलने के बाद इसको बाहर कर लेंगे, छोड़ो भाई बाहर करो। इसका कूलिंग कॉइल हैचबैक बाहर हो चुका है इस तरह। अब इसका कूलिंग कॉइल खोल के आपको दिखाते हैं लीकेज कहां पर से।
बाहर से इसका अपन दोनों पाइप खोल चुके थे, सक्शन डिस्चार्ज इस तरफ से और इस तरफ से इसका हीटर पाइप खोल लेंगे, तब जाके कूलिंग कॉइल वाला ये तक बाहर होगा। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा खुलने के बाद ये इसका कूलिंग कॉइल, इसको बाहर निकाल के आपको चेक करके बताएंगे लीकेज कहाँ से था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर से दो जगह से इसकी कूलिंग कॉइल लीकेज है, एक यहाँ पर से बबल्स, एक यहाँ पर से। तो ऐसा करके अपन को चेक करना बाहर, तो ऐसा अडाप्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं और ये कस्टमर को दिखा भी सकते हैं। देखिए लीकेज यहाँ से है।